लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने से जिले की अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में तटवर्ती कई गांव चारों तरफ से बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में बाढ़ क्षेत्र गांव में शादी है, वहां पर नाव से बारात ले जाना व विदाई कराकर वापस लाना बहुत जोखिम भरा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिला अंतर्गत डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के परसोइया सदायन की, जो जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ रात में एक परिवार में लड़की की शादी थी। गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी इस तरह भरा हुआ है कि करीब 3 किलोमीटर का सफर नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में बरातियों को शादी वाले घर से लेकर दुल्हन की विदाई तक नाव से हुई। उक्त गांव में सुगम पुत्री कामेश्वरी पांडे की शादी थी। बारात त्रिलोकी पुत्र जय मंगल पांडे गांव चोरथरी थाना इटवा से आई। बारात जैसे ही बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत डुडुहिया थाना उतरौला बलरामपुर पहुंची तो चारों तरफ पानी ही पानी देखकर बाराती दंग रह गए। करीब 30 बाराती वहां से वापस अपने गांव चले गए। दूल्हे के साथ करीब 30 लोग गांव के नाव के सहारे 3 किलोमीटर का सफर तय करके परसोइया सदानंद पहुंचे। आने जाने में सुबह हो गई, विदाई नाव से हुई। नाव पर दूल्हा दुल्हन बैठकर वापस सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो महिलाओं की भीड़ दुल्हन को देखने जुटने लगी। कहां के रहने वाले हो? किस जिले में? सिद्धार्थनगर। कहां शादी आपकी हुई है? परसोइया। किस जिले में पड़ता है? सिद्धार्थनगर। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, बाढ़ से सब दिक्कत हुआ है। नाव से हम लोग गए हैं, व्यवस्था सब हुआ था, उधर से आए हैं, व्यवस्थित मतलब विदाई भी हुआ।